मैं अपने हक़ हाँ की लड़ाई लड़ रही हूँ लेकिन हमें पता नहीं था कि वो हमारे रायगढ़ में ही आएंगे और हमारे हक हाँ। हाँ का मारेंगे साढ़े तीन साल से लगभग मेहनत कर रही हूँ रायगढ़ के विकास के लिए रायगढ़ के मान सम्मान गौरव के लिए कल अपना नामांकन भरने जा रही है आपकी लड़ाई किससे रहेगी सबसे पहले तो मैं रायगढ़ की सामान्य जनता को प्रणाम करती हूँ और मेरी लड़ाई व्यक्तिगत है ना कि पार्टी से है मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ रही हूँ इसीलिए कल नामांकन भरूंगी और मेरे ग्रामीण क्षेत्र से भी शहर से भी सभी क्षेत्रों से अभी लोग आ रहे हैं अब मेरा समर्थन करने के लिए और मैं हक़ की लड़ाई के लिए सबका साथ मांग रही हूँ आप ही माना लगातार कितने पच्चीस सालों की अगर बात करें आपके संघर्ष की जी पच्चीस सालों पार्टियों का जो सम्मान आपको मिलना था नहीं बिल्कुल नहीं मिला है इसीलिए तो मेरी हक की लड़ाई है सम्मान मिलता तो मैं अभी लड़ती ही नहीं और मैं अभी भी पार्टी का समर्थन करती हूँ मैं पार्टी से ही हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मानती हूँ अपने आप को मेरा जो आ, आ, बोलना चाहिए नाराज़गी है व्यक्तिगत नाराजगी है मैं ओ पी चौधरी जी को भी उनके मुंह में बोली हूँ कि यदि आप सबका सम्मान चाहते हैं रायगढ़ का विकास चाहते हैं रायगढ़ का सम्मान चाहते हैं तो आप एक बार जरूर त्यागें ताकि यहाँ के जनता को भी सम्मान मिले और आपको भी सम्मान मिले क्योंकि हम लोग जब भी ओ पी चौधरी कलेक्ट्री छोड़ के राजनीति में प्रवेश किए तभी हम लोगों ने सोचा था कि ये बहुत बड़े हस्ती हैं और अच्छे पति जा सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं हमारा यही सपना था लेकिन हमें पता नहीं था कि वो हमारे रायगढ़ में ही आएंगे और आ, हमारे हक का मारेंगे वही इसी प्रति हम लोग का नाराज़गी है आप ये बताएं कि मुद्दे क्या रहेंगे अगर आप में जी जी आ, मेरा तो मैं साढ़े तीन साल से लगभग मेहनत कर रही हूँ रायगढ़ के विकास के लिए रायगढ़ के मान सम्मान गौरव के लिए और यहाँ पे जितने भी प्राकृतिक धार्मिक स्थल हैं उनको कैसे सौंदर्यकरण करें हमारे पुरातात्विक चीज़ों को कैसे संवर्धन संरक्षण करें उसके लिए हम लोगों का मेन उद्देश्य है अभी साथ ही साथ हमारे रायगढ़ ज़िले को कैसे सुंदर और स्वच्छ बनाएं जो कि गंदगी के मामले में अभी पाँचवाँ स्थान पर है उसको कैसे अच्छाई के सुंदर के मामले में स्वच्छ के मामले में पाँचवा स्थान पर लाएँ हमारा मेन मकसद वही है साथ ही साथ यहाँ रिंग रोड की अच्छी व्यवस्था की जाए और भी ऐसे बहुत सारे सड़क से लेकर जो मूलभूत समस्याएं रहते हैं उनके साथ साथ और भी बड़े बड़े जो हमारे रायगढ़ ज़िले के लिए बहुत ही अच्छा हो ऐसी सोच को हम लोग लेके आगे चल रहे हैं जिसके सबका सम्मान बढ़े उसी के साथ हम लोगों का मेन उद्देश्य है, है मेरा नाराज़गी तो केवल ओ पी चौधरी जी से ही है और मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहूँगी अभी भी मैं निवेदन करती हूँ यदि आप चाहें तो अपनी आ, जो भी आपका हक हमारी हक को मांग मार के अभी जो आप यहाँ से लड़ाई कर रहे हैं उसको ना मारें और आप यहीं से यदि त्याग देते हैं और हम लोग अभी से आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप अच्छे पद में जाएं और सबका मार्गदर्शन करें और इस इस विधानसभा के साथ साथ और अन्य दस विधानसभा को भी आप लोग जिता के लाए यही हमारी उनसे मांग है नामांकन जी कल हम लोग नामांकन भरने जा रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना हम लोग सोचे हैं उनसे भी ज़्यादा जनता आके हमारा सपोर्ट करेगी और क्योंकि मैं नामांकन भरूंगी तो कभी भी मैं नामांकन भरी हूँ तो वापस नहीं ली हूँ और अभी भी मेरा ये मानना है कि मैं नामांकन भरूँगी जिस उम्मीद के जिस विश्वास के साथ लोग मेरे साथ जुड़े हैं उस पर खरी उतरने की पूरी कोशिश करूँगी और अपनी हक हाँ की लड़ाई को ज़रूर लड़ूँगी